पता है इनमें इनमें फल नहीं आता है। ये देखिए कितना सारा बन गया। आप कहोगे कि हमारे पौधे पर फल नहीं आ रहा है तो फल कहाँ से आ जाएगा? ये देखिए कहाँ से फल आ जाएगा, क्योंकि इन पर फल आता ही नहीं है। धीरे धीरे ये लकड़ियाँ बड़ी हो जाएंगी, पौधा आपका है वो खराब हो जाएगा, फल नहीं आएगा। गारंटी है मेरी, लिख के ले लो, इस पर फल नहीं आएगा। बाकी जो डाले हैं उस पर फल आएगा, लेकिन इस पर नहीं आएगा। ये गुल्ला होता है दोस्तों, ये पौधे की शक्ति को हजम कर जाता है। जितने भी हम खाद लगाते हैं, डाई यूरिया, वो सब इसमें चला जाता है और ये पौधे से ज़्यादा ग्रोथ करेगा। इस वीडियो में हम आपको कटिंग के मामले में बताएंगे कि पौधे की कटिंग किस प्रकार से की जाती है और कौन सी टहनी पर फल आता है, कौन सी पर नहीं आता है और कौन सी हमें काटनी चाहिए, और ये सारी डिटेल में जानकारी देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा माल्टे का पौधा है और इसकी हमने कटिंग कर दी है। पीछे दिखाइए, ये सारे पौधों की कटिंग कर दी है और अब इस पौधे की कटिंग करके आपको तो कटिंग की शुरुआत हमें पेड़ के नीचे से करनी चाहिए कि नीचे जो टहनियाँ हैं वो कितनी सूख चुकी हैं, उन्हें पहले हटाना चाहिए। इधर आइए, मैं आपको दिखाऊँ। ये देखिए इस प्रकार इस जो पिछली बार फल आया था वो ऐसे सूख गई हैं, ये हमको सारी हटानी है। देखिए दोस्तों, ये सूखी लकड़ियाँ पौधे के अंदर एक तरह कैंसर सा फैला देती है, तो धीरे धीरे बढ़ के वो यहाँ तक आ जाता है। तो ऐसे ही इन डालियों का है, अगर यहाँ पर सूख गई तो धीरे धीरे पूरी टहनियाँ वो सूख जाएगी। तो हमें जड़ से जो सूखी हुई डालियाँ हैं जड़ से हटानी है। ये देखिए, अगर सूख पौधे की नहीं निकालेंगे सूखी लकड़ियों को, तो पौधा धीरे धीरे हमारा सूखता चला जाएगा, इसलिए आपको इन्हें को हटा दें तो ही अच्छा रहेगा। ये देखिए सूखी सूखी जितनी भी टहनियाँ हैं वो सब हम निकाल देंगे और जो हरी हैं उनको काटना नहीं है, क्योंकि उन पर फल आएगा। दोस्तों हो सके तो खुद आप कटिंग करिए, क्योंकि अपना कार्य करने में कोई बुराई नहीं है, और जब तक तुम अपने हाथ से काम नहीं करोगे आपको नॉलेज नहीं होगी। हमने पिछली बार करवाया था लेकिन मुझे काम पसंद नहीं आया था। ये देखिए, आपको मालूम कैसे पड़े कि इस पौधे पर, ये टहनियाँ पर उस फल आया कि नहीं आया? तो एक पहचान बताऊँ, देखिए इधर दिखाओ। ये देखिए इस पर जो फलके हैं वो डांडुए लगे हुए हैं। देखिए इस पर फल आया था, इस पर फल आया था, इस पर फल आया था, तो ऐसे अंदाज़ा हो जाता है। तो हमें ये हटानी नहीं है, ये वाली डाल नहीं हटानी है, इस पर फल आएगा। और ये सूख गई आगे से, इसे यहाँ से कट कर देंगे। ये देखिए, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस सूखी सूखी जो लकड़ियाँ हैं उनको काटनी है, क्योंकि सूख नहीं हटाओगे तो पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा सूख बनेगी। और ये देखिए, ये पिछली बार ये छोड़ दिए, ये इस पर फल नहीं आएगा। इसकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, पौधे से ये ऊंचा कट जाएंगी ये लकड़ियाँ। जो हम खाद लगाते हैं इसमें DAP है गया, जिंक वगैरह लगाते हैं, सब चला जाता है इनमें, इनमें फल नहीं आता है। ये देखिए कितना सारा बन गया। आप कहोगे कि हमारे पौधे पर फल नहीं आ रहा है तो फल कहाँ से आ जाएगा? ये देखिए कहाँ से फल आ जाएगा, क्योंकि इन पर फल आता ही नहीं है। धीरे धीरे ये लकड़ियाँ बड़ी हो जाएंगी, पौधा आपका है वो खराब हो जाएगा। तो सही नॉलेज भी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बाग बगीचे में। हमने करवा के देख लिया लेबर से काम, लेकिन अब हम नहीं करवा रहे क्योंकि वो काम नहीं करते, लापरवाही दिखाते। ये देखिए अभी इस पर ये गुल्ला और निकलेगा। ये देखिए ये सीधा सीधा जा रहा है, चलो बाहर निकाल के दिखाता हूँ। ये है गुल्ला, इस पर फल नहीं आएगा, गारंटी है मेरी, लिख के ले लो, इस पर फल नहीं आएगा। बाकी जो डाले हैं उस पर फल आएगा, लेकिन इस पर नहीं आएगा। ये गुल्ला होता है दोस्तों, ये पौधे की शक्ति को हजम कर जाता है। जितने भी हम खाद लगाते हैं, डाई यूरिया, वो सब इसमें चला जाता है और ये पौधे से ज़्यादा ग्रोथ करेगा, तो इसे तो बिल्कुल हटाना ही है। और देखिए अंदर एक आध और हो तो फिर भी निकाल देंगे। आपको छटाई में केवल सूख और ये गुल्ले, दो ही चीज़ें बस निकालनी है और कुछ नहीं निकालना है, क्योंकि इसका फल नहीं आएगा, ये सीधे सीधे बड़ी हो जाएंगी। और ये देखिए ऐसे, और मैं आपको बताऊं कटिंग करने का सही समय क्या होना चाहिए। जैसे ही दोस्तों हम फल तोड़ चुके होते हैं, उसके एक महीने बाद कटिंग कर देनी चाहिए। जैसे फल तोड़ने के बाद कटिंग कर देनी चाहिए और पौधे की अच्छे से नराई गुड़ाई करके उसमें
खाद वगैरह लगा के छोड़ दें और इसमें फल आएगा 2-3 महीने बाद, मार्च में फल आ जाता है। अभी तो इसमें और गुल्ला रहेगा, ये भी क्या होगा, अगर ऐसे ही गुल्ला पौधे में फूटता रहा तो पौधा बेकार हो जाएगा। ये देखिए क्या है, ये सब बेकार कर दिया है। पैसा की पैसा चला जाता है, लेकिन वो चीज़ है ना, मज़ा नहीं आता है लेबर से काम करवाने पर, इसलिए हम खुद कर रहे हैं। बाकी ये देखिए, आपको सेफ्टी के लिए हैंड पहनने पड़ते हैं, ग्लव्स वगैरह, और अभी इसकी कटिंग होती है तो। इस पर फल भी बहुत ज़्यादा आया था इस साल, थोड़ा सा और गुल्ला रह गया। सूखी लकड़ियाँ बिल्कुल सब काट देनी है आपको। पौधे की छटाई साल में हमें एक ही बार करनी चाहिए, ज़्यादा कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। फल तोड़ने के बाद कटिंग कर सकते हैं आप, दिसंबर नवंबर के महीने में इसकी कटिंग हो जाती है। ये माल्टे का पौधा है, और थोड़ा सा और इधर देख लेते हैं, ये सब लकड़ी है सूखी से, इसे भी बता देते हैं। कटिंग करना कोई ज़्यादा खास काम नहीं है, इस प्रकार की कैंची आती है, ये पासी की कैंची है, ये हमने पंजाब से मंगाई थी ऑर्डर करके, इसी से कटिंग होती है। और अब मैं बताऊं, देखो ये डाल है, ये यहाँ से, ये देखिए, ये यहाँ से नया इसमें टहनी निकलेगी, उसी के साथ में फूल निकलेगा। ये देखिए जगह जगह से ये फूटेंगे तो उसी में फूल निकलेगा, गुच्छोंदार फूल लगता है इस पर। जैसे ही फूल आएगा हम आपके लिए एक और वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुँचे, जिससे कि उन्हें जानकारी हो जाए, क्योंकि जानकारी के अभाव में वो गलत कार्य करवा देते हैं और कहते हैं कि हमारे पौधे पर फल नहीं आया। तो फल कहाँ से आ जाएगा, जब पौधा गुल्ला का हो जाएगा पूरा तो फल आएगा कहाँ से। तो कटिंग का अहम रोल होता है पौधे के अंदर, जितनी अच्छे से कटिंग हो जाएगी फल भी हमारा उतना ही अधिक आएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मुलाकात हमारी अन्य वीडियो में होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।